तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे और आज हम लोग देखेंगे PUBG के ग्लिच हाउस के बारे में। जी हाँ, आज हम आप लोगों को ग्लिच हाउस दिखाने जा रहा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा इंटरफेस है। मैंने एक फ्रेंड को इनवाइट किया, शायद वो एक्सेप्ट कर ले या ना भी कर सकता है, तो पता नहीं। मेरे टोटल 40 फ्रेंड्स हैं। और तो छोड़ो, मैं गेम स्टार्ट करता हूँ और आपको सीधा दिखाता हूँ। ये इरेंगल में, याद रखना, इरेंगल में। और वो बहुत ग्लिच्ड जगह है, वहाँ पे कितना भी आपका नेट अच्छा रहेगा तो हो सकता है कि फंस जाए, या फिर अगर वो ग्लिच फिक्स हो जाता है तो फिर मैं उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर नहीं लेता। ये इंटरफेस थोड़ा देर तक रहता है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है और ये चला जाएगा कुछ ही देर में। जैसा कि हम लोग का गेम, यहाँ पे हम लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है। ये ट्रेनिंग बेस इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक दूसरे की धुनाई करना सीखते हैं। जी हाँ, इसे हम ट्रेनिंग बेस बुला सकते हैं। यहाँ पे बस टाइम स्पेंड करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है हम लोग को, सीधा अपने मैप में जाना। और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ग्लिच्ड वाली जगह कौन सी भूतिया जगह है। भूतिया वहाँ पे जाके एक बार अगर फंस गए ना, तो फिर निकलना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन निकल जाओगे। मेरी वीडियो देखोगे तो निकल जाओगे, इसीलिए ध्यान से देखना भाई। मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे निकल जाता हूँ, लेकिन निकल जाए। तो वो जगह यहाँ पे कुछ, ये फार्म और मिल्टा के पास, तो यहीं पे तुम लोगों को मार्कर लगाना है। दरअसल ये इस एंड वाले पॉइंट को तुम्हें लेना है। जी, यहीं पे तुम्हें लेना है। और अब प्लेन को वहाँ आने का इंतजार करते हैं हम लोग, ताकि वहाँ पे जंप कर सके। और प्लेन तो बहुत पीछे है, 90 प्लेयर्स बचे हैं केविन में। और यार वो गजब की जगह है, मतलब वहाँ पे तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा अगर तुम उस ग्लिच में फंसे हुए हो। लेकिन अगर तुमने हील डोल किया और अगर तुम्हारा ग्लिच फिक्स हो जाता, तो फिर तुम उसके नज़रों में आ जाओगे और फिर तुम तो गए काम से, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास गन नहीं थी, तो मैं एक बार मर चुका। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये 1000 कुछ मीटर बचा है और मैं जल्दी जंप करने वाला हूँ। और मैंने कर दिया जंप, मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये जो आपको वाइट स्पॉट पे जो अभी घर दिख रहा था ना, वही घर पे हम लोग को जाना है। बस वो वाइट स्पॉट पे जो घर है ना, आप लोग यहाँ पर बहुत सारे आदमी भी हैं, तो मतलब जोन यही बने, देख लेना तुम लोग। यार मैं बता रहा हूँ ना, जोन यही बने पक्का, मैं श्योर हूँ। मुझे ये भी पता रहता है कि कौन सा जोन कब जोन कहाँ बनेगा। जी देखो, तो हम लोग को इसी घर में जाना है जिसके बगल में एक ये वाटर टैंक टाइप का कुछ है। तुम लोग गौर से मैप पे देखना, बस ये हम लोगों के मार्कर से थोड़ा सा दूर है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत नहीं है यार, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। हाँ, तो हम लोग जैसा कि लैंड कर चुके हैं, हम लोग अब डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आपको इस घर में कैसे भी जंप लगाना है, खिड़की से लगाओ या फिर दरवाजे से लगाओ या फिर कैसे भी लगाओ। जैसा कि आप जंप लगाए, और यहाँ पे कुछ फंसा था ग्लिच, अब यहाँ पे मैं फंस गया। अब इसके आगे पीछे मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वहाँ बगल में लेवल 2 का बैकपैक पड़ा है। ये मुझे लगा था फर्स्ट टाइम कि मेरा फ़ोन कुछ फंस गया है, लैग टाइप का हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जी ऐसा कुछ नहीं है, ये यहाँ पे ऐसा ग्लिच है कि मैं बहुत बार फेस कर चुका हूँ, लगभग 9 बार मैं फेस कर चुका हूँ इस ग्लिच को। और देखो, जैसा कि आप यहाँ ये पूरा स्लिप में जाते हो तो ऐसा हो जाता है कभी, और स्टैंड लॉक हो जाता है, मतलब तुम उठ भी नहीं पाओगे। अगर तुम ये सब बटन दबाते हो तो उठ भी नहीं पाओगे। मैंने बहुत सारे बार ये बटन भी दबा के ट्राई किए, देख लो। जैसे स्टैंड लॉक, मैं स्टैंड पे क्लिक कर रहा था और स्टैंड लॉक लिखा रहा था। मैं क्राउच भी करके देखा, लेकिन वो भी नहीं काम करता। यहाँ पे कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा, देखना तुम लोग। तुम कुछ भी करके देखो, तो तुम लोग भी एक बार यार इस जगह को ट्राई कर सकोगे। तुम यहाँ पे कोई भी बटन दबा के देख लो, रिपोर्ट पे क्लिक करो, सेटिंग पे क्लिक करो, फिर से आओ या कुछ भी करो भाई, लेकिन ये ग्लिच जगह है।
ये पबजी की ग्लिच जगह है, पबजी हो सकता जल्दी फिक्स कर दे फ़ोन के लिए, बस पीसी में मेरे को पता नहीं, पीसी मैंने खेला नहीं है तो कैसे मैं बता सकता हूँ। तो तुम लोग जैसे देख रहे हो कि मैंने अभी बाहर का नज़ारा देखा, तो ये भी कभी कभी दिख जाता है जैसा कि देख रहे हो तुम लोग बाहर का नज़ारा, लेकिन बाहर का कोई आदमी मुझे नहीं देख सकता है जी, बाहर का कोई आदमी मुझे पता नहीं, इसे ग्राफिक्स प्रॉब्लम कह सकते हैं या फिर कुछ और, लेकिन जो भी है भाई मज़ेदार है यार, मज़ेदार है ना। देखो यहीं से हम लोगों के निकलने का रास्ता है, जी हाँ यही निकलने का रास्ता हम लोग, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार फंस चुका हूँ और फिर मुझे बैक आना पड़ा, लेकिन यही रास्ते से तुम लोगों को निकलना, अगर कभी तुम फंस जाते हो तो इधर ही से तुमने निकलना है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा निकला, लेकिन अभी मुझे पूरी तरह से निकलना नहीं है, तो मैं यहाँ फिर से आया हूँ और मुझे तुम लोगों को दिखाना यहाँ पर। देखो देखो जैसा कि एक बंदा यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे एक बंदा आ चुका है और उसकी फुट स्टेप मुझे दिख रही है, लेकिन वो बंदा मुझे नहीं देख पा रहा है। देखो वो बंदा मुझे नहीं देख पा रहा है, मैं उस बंदे को देख लूँगा, उसे लग रहा है, उसे फुट स्टेप दिख रहे हैं कि यहाँ पे कोई है, उस मोमेंट से पता चल रहा होगा, हो सकता है ऐसा, लेकिन पता नहीं, वो मेरे चारों बगल घूम रहा है, मतलब कि उसे पता है कि मैं यहाँ पर, उसे दिख रहा है सर, लेकिन लेकिन देखो देखो यहाँ पे ये बंदा खड़ा, लेकिन ये मुझ पर गोली नहीं चला रहा है, क्यों? क्योंकि इसे मैं दिख नहीं रहा, ये ग्लिच है, यही तो ग्लिच है भाई। देखना मैं इसके आगे हूँ, लेकिन ये मुझ पर गोली नहीं चलाएगा, देखना मैं इसके आगे खड़ा हूँ, इसके पास M416, और जैसा कि तुम लोगों ने देखा अब भी ये ग्लिच फिक्स हो गया, तो यही रास्ता से निकलने का, अब ये मुझे मार देगा बंदा, मैं कुछ भी कर लूँगा, इसके पास M416 है, तो ये मुझे M614 तो ये मुझे मार देगा जी, मैं कुछ भी करके मैं इससे नहीं जीत सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई गन भी नहीं है, अगर मेरे पास पिस्टल भी रहता तो मैं इसको मार देता, लेकिन मैं मुझे न था वही वाली जगह ग्लिच, तो तुम लोगों ने देख लिया और मेरा काम है कि 2 पे ख़त्म हो गया, जो नहीं होता था कभी कभी, तो शायद नहीं हुआ था, मेरा रैंक भी तुम लोग देख ही लो, ये बी रैंक मिला है मेरे को एकदम बेकार तुम लोगों की वजह से यार, तो सब्सक्राइब मारो यार, तुम्हारे लिए मैंने इतना किया तो सब्सक्राइब मारो, और अगर वीडियो पसंद आए ना तो लाइक मारो, बाय।